हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 465। और आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना शीरा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी, शुगर, देसी घी, 1 गिलास मिल्क, चॉप नट्स और 1 पका हुआ केला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बनाना शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 1 जैसे ही हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे चॉप नट्स। चलिए डाल देते हैं चॉप नट्स और इनको हम भून के निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भून चुके हैं, ये मैं निकाल लूँगी। एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स हमने भून के निकाल लिए हैं। अब हमारे पैन में जो घी बच गया है, इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। और फ्रेंड्स, इस सूजी को हम भूनेंगे लो फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, सूजी मेरी भून चुकी है। मुझे सूजी को सिर्फ इतना ही भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। अब मैं इसमें डालूंगी केला, जो मैंने देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे शुगर, 2 टेबलस्पून शुगर। ये देखिए शुगर। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम मिलाते हैं अपने रोस्टेड नट्स, बादाम, किशमिश, काजू, जो हमने भून के रखे थे। चलिए इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब इसको हम ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। चलिए यार, ये मैंने डाल दिया येलो फूड कलर, जरा सा डालेंगे। चलिए अब इसको ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये शीरा बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, हलवे वाली कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो चलिए इसको अपनी सर्विंग प्लेट पे सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बनाना शीरा बन के बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने गार्निश किया है काजू के साथ और कुछ लगाया है चांदी का वर्क। देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है, जिनके लिए केला बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।